हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरे पास है नथिंग फोन 2A और इस वीडियो में जो है हम इसके अंदर BGMI टेस्ट करेंगे कि कितना टाइम लगता है इसको फुल ड्रेन होने में। तो मेरा नाम है फैज, मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स वायर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब इस फोन की बात करें तो इसके अंदर जो है यहाँ पे 100% इसकी बैटरी है और इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो आता है डायमेंसिटी 7200 प्रो जो 4 नैनोमीटर का है और इसके अंदर LPDDR4X रैम है, 8 GB वाला ये वेरियंट है और स्टोरेज जो है UFS 2.2 है और मेरे पास जो है 128 GB वाला जो है वेरिएंट है। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और मैं आपको दिखा दूं कि फोन जो है फोन 100% जो है वो चार्ज है। तो अब जो है हम इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं 1 आवर के बाद। उसके बाद 1 आवर में देखते हैं कि फोन जो है कितने परसेंट जो है वो ड्रेन हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 आवर जो कंप्लीट हो गया है और 1 आवर से जो है हम इसके अंदर गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं यहाँ पे BGMI। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बैटरी परसेंटेज जो कितना आया, वो 83% जो है बैटरी आ गया है। तो ऑलमोस्ट जो है 17% जो है बैटरी ड्रेन हुआ है। और जब मैं गेम प्ले कर रहा था तो यहाँ पे जो है मुझे कुछ ज्यादा हीटिंग जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितना हीट जो है ये हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल में जो है फ्रंट में जो है यहाँ पे 39.2 सेल्सियस आ रहा है और बैक की बात करें तो बैक में जो है यहाँ पे 39.7 सेल्सियस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और नॉर्मल में जो है 29 सेल्सियस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक है, बस यहाँ पे जो है ना इस पोर्शन पे जो है यहाँ पे हीटिंग मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर जो गेम मोड है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर करना चाहे तो यूट्यूब पे लाइव आप जा सकते हैं। तो ये चीजें काफी अच्छी है। बाकी यहाँ से जो है आप FPS भी जो है यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए FPS जो है यहाँ पे ये रीड करता रहता है। यहाँ पे जो है मैंने इसका ग्राफिक जो कर रखा है वो कर रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे HDR और अल्ट्रा पे मैंने कर रखा है ग्राफिक। और यहाँ पे जो है हम सिम के थ्रू जो है यहाँ पे उसी के डाटा को हम यूज कर रहे हैं। तो और यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो 100% रह रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी हम 100% रख रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे 2 आवर के बाद, उसके बाद देखते हैं कि 2 आवर के बाद जो है कितना बैटरी ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 2 आवर जो है कंप्लीट हो गया। 2 आवर से हम इसके अंदर जो है BGMI गेम जो है प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि बैटरी कितने परसेंट पे आ गया। तो बैटरी जो है 61% पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 39% जो है बैटरी ड्रेन हो गया है 2 आवर में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो ड्रेन हो रहा है। यहाँ पे हम इसके अंदर वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इसके अंदर गेम नहीं प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर जो सिम का जो डाटा होता है उसी से जो है हम इसके अंदर गेम प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी फुल रख रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा जो है 40% के अप्रोक्स जो है यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो गया है 2 आवर में। तो अब हम मिलेंगे यहाँ पे जब 3 आवर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हीटिंग इशू मुझे देखने को फील हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप इसको ग्रिप करते हैं ना तो इस पोर्शन में और यहाँ बैक में जो है यहाँ पे हीटिंग इशू मुझे देखने को मिलता है, मतलब फील होता है। यहाँ पे नॉर्मल में 29 सेल्सियस जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे फ्रंट का देखे तो 38.4 सेल्सियस फ्रंट का देखने को मिल रहा है और बैक की बात करें तो यहाँ पे 37.4 सेल्सियस जो है वो बैक में देखने को मिल रहा है। तो अब हम मिलेंगे जब यहाँ पे 3 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि 3 आवर के बाद फोन जो है कितने परसेंट जो है वो ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 3 आवर जो कंप्लीट हो गया, 3 आवर से इसके अंदर जो है BGMI गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हम वाईफाई के साथ कनेक्ट इसको नहीं कर रखे हैं। ये जो चल रहा है ये चल रहा है इसके फोन के सिम के डाटा पे जो है ये सारा ऑपरेट हो रहा है और बाकी जो है यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है फुली रहता है और इसका जो साउंड है वो भी जो है वॉल्यूम वो भी 100% ही रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी जो है कितने परसेंट पे आ गया है। तो बैटरी जो है 42% पे आ गया, यहाँ पे 18% जो है बैटरी ड्रेन हुआ है। तो अब हम मिलेंगे जब 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा, 4 आवर के बाद देखते हैं कि बैटरी जो है कितना ड्रेन होता है। यहाँ पे हीटिंग इशू की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा। यहाँ पे 37 सेल्सियस जो है इतना ही रहता है और बैक की बात करें तो बैक में भी 35.6 सेल्सियस जो है वो बैक के अंदर देखने को मिलता है। तो अब हम मिलेंगे जब 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कितना बैटरी जो है ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 4 आवर जो है कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर जो है हम 4 आवर से जो है BGMI गेम जो है प्ले कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हम वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर रखे हैं और इसको सिम के साथ ही जो है वो यूज कर रहे हैं, उसी का डाटा जो है वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बैटरी जो है कितने परसेंट पे आ गया। तो बैटरी जो है 25% पे आ गया है और इस टाइम जो है 17% जो है बैटरी ड्रेन हुआ है 3 आवर से 4 आवर के अंदर में, 1 आवर जब हमने इसके अंदर गेम प्ले किया। तो यहाँ पे हीटिंग इशू जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। नॉर्मल में 29.4
4 आ रहा है और यहाँ पे 40.3 सेल्सियस जो है फ्रंट का देखने को मिल रहा है, और बैक की बात करें तो यहाँ पे 38.2 सेल्सियस जो है बैक में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये ग्रिप करते हैं ना तो यहाँ पे ज्यादा फील होता है और अभी भी ये चीजें जो है वो फील हो रहा है। यहाँ पे जो है हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जो है वो 100% रख रहे हैं और इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है वो भी 100% ही रहता है। तब हम मिलेंगे 5 आवर के बाद, उसके बाद देखते हैं कि 5 आवर में जो है ये फोन कितने परसेंट जो है वो ड्रेन होता है। यहाँ पे देखिए 5 आवर जो कंप्लीट हो गया और 5 आवर से हम इसके अंदर BGMI गेम जो है प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं बता दूं कि बैटरी जो है कितना ड्रेन हो गया है। तो बैटरी जो है 9% पे आ गया है और यहाँ पे 17% जो है ड्रेन हुआ है 4 से 5 आवर जब हुआ है, तो मतलब 1 आवर जो अभी गेम प्ले हमने किया है तो इसमें जो है यहाँ पे 17% जो है बैटरी ड्रेन हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो है 9% बचा हुआ है। यहाँ पे हीटिंग इशू जो है यहाँ पे फील होता है मुझे स्टार्टिंग से ही और अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे 41 पॉइंट सेल्सियस जो है यहाँ पे आ रहा है 40.2 और बैक के अंदर जो है यहाँ पे आ रहा है 39.5 सेल्सियस जो है वो बैक में देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हीट जो फील हो रहा है वो यहाँ पे इस पोर्शन पे जो है वो ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे जब ये पूरा 100% जब ये बैटरी ड्रेन हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको फुल ड्रेन होने में। यहाँ पे देखिए 5 आवर 37 मिनट जो है कंप्लीट हो गया और फोन जो है बिल्कुल डेड हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सिम के साथ जो है BGMI गेम अगर प्ले करते हैं तो यहाँ पे 5 आवर और 37 मिनट का जो है मुझे मिला, आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है या थोड़ा सा कम मिल सकता है। अप्रोक्स आप मान के चलो कि 5 आवर और 30 मिनट का जो है आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है नथिंग फोन 2A के साथ। यहाँ पे मैंने वाईफाई के साथ इस गेम को नहीं प्ले किया, यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग से हम गेम प्ले कर रहे हैं वो सिम के अंदर सिम का जो डाटा है उसी से हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है बैटरी मुझे ज्यादा लगा कि ड्रेन हुआ है। बाकी एक्चुअल में जो भी फोन जिसके पास भी फोन रहता है वो ज्यादातर अपने डाटा से ही जो है फोन के अंदर गेम जो है वो प्ले करते हैं, तो इसके हिसाब से जो है इतना हमारे पास जो है बैटरी बैकअप हमें देखने को मिला है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई के साथ कनेक्ट करके हम जो है इसके अंदर बैटरी ड्रेन करके देखें BGMI में, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।